लोगों को पुलिस लाइन हाजिर किया, जिनमें से चार को जो है सस्पेंड कर दिया गया। चौकी अफसर साहब नरवाल और मुंशी नरवाल और चार लोग जो है उसमें शामिल हैं। 24 और 25 की रात के दरमियान जो है चौकी नरवाल से एक चोर जो है वो फरार हो जाता है, और चोर भी कोई छोटा मोटा नहीं, पुलिस को काफी लंबे अरसे से जो है इस चोर की तलाश थी। नरवाल पुलिस चौकी पे एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नरवाल पुलिस चौकी में जो लोग तैनात हैं, यहाँ तक कि चौकी अफसर समेत लगभग 6 लोगों को जो है लाइन हाजिर करके 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। पूरा मामला क्या है हम बताते हैं आपको। 24 और 25 की रात के दरमियान जो है चौकी नरवाल से एक चोर जो है वो फरार हो जाता है, और चोर भी कोई छोटा मोटा नहीं, पुलिस को काफी लंबे अरसे से जो है इस चोर की तलाश थी, जिसको तालाब तिल्लों से जो है वो चौकी नरवाल में लाया गया था और वहां पे रखा गया था। और ना जाने कैसे 24 और 25 की रात में ये चोर जो है फरार हो जाता है, जिसके बाद एसएसपी जम्मू ने बड़ा सख्त और कदम उठाया और कानूनी कार्रवाई की, और 6 लोगों को पुलिस लाइन हाजिर किया, जिनमें से 4 को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें चौकी अफसर साहब नरवाल और मुंशी नरवाल और 4 लोग जो है उसमें शामिल हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पे। हरजीत जी, आपने देखा किस तरह से जो है ये चोर नरवाल चौकी से भाग जाते हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बठिंडी में भी कुछ महीने पहले बठिंडी में भी चोर जो है हवालात में दीवार में सुराख करके जो है वो भाग जाते हैं। क्यों इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं? और ये तो चोर सिर्फ मतलब चोरी करने के लिए जाते हैं, नॉर्मल चोर होते हैं, तो इनकी जगह अगर मिलिटेंट भाग जाए फिर क्या हो? देखिए डैंग साहब, ये है लापरवाही का मामला। जैसे आपने कहा कि उसकी जगह कोई मिलिटेंट होता वो भाग जाता, और उससे कितना खतरा पैदा हो जाना था। और सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा एसएसपी जम्मू की, उन्होंने बड़ी जल्दी एक्शन लेते हुए 6 बंदों को सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है, 4 को सस्पेंड, 4 को सस्पेंड किया है और 2 को लाइन हाजिर किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है। ये सबक है उन एसएचओ के लिए जो लापरवाही करते हैं। और ये लापरवाही क्यों हो रही है, इनका ध्यान किधर है, ये बंदे क्या काम कर रहे हैं? और मेरे ख्याल में इनकी क्लास भी लगनी चाहिए बाकियों की भी। अगर आपने लापरवाही की और आपके साथ भी यही हाल होगा। और मेरी तरफ से कुछ सुझाव हैं जो मैं देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। जी, सुझाव भी आपके ले लेंगे, लेकिन मैं आपसे जो इस तरह के मामला जब भी कभी सामने आते हैं, इंक्वायरियां होती हैं, सस्पेंड होते हैं लोग, लेकिन जब इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो ले दे के मामला किसी छोटे ऑफिसर पे या छोटे किसी अधिकारी पे आता है, खासकर ज़्यादातर मामला जो है एसपीओ के सर पे फोड़ दिए जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और किसी बड़े अधिकारी को क्यों नहीं इसमें जो है कोई सख्त जो है उसमें पनिशमेंट दी जाती है, ताकि एक मिसाल कायम हो सके और इस तरह के मामला सामने ना आए? जी डैंग से, इसमें ना मिसाल कायम होनी चाहिए। देखो तो जैसे आपने कहा कि छोटे अधिकारियों के ऊपर गाज गिरती है, क्यों गिरती है? क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं, मेरे ख्याल वो मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ कुछ अप्रोच लगवाते हैं कि मैं बच जाऊं और बाकी फंस जाएं। असल में इसमें कार्रवाई होनी चाहिए सबसे बड़े अधिकारी के ऊपर, क्योंकि जिम्मेवारी है एसएचओ की होती है, बड़े अधिकारी की होती है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये बंदा कैसे भाग गया। अगर वो मिलिटेंट होता तो ठीक है, ये चोर जो पकड़ा है बड़ी देर के बाद पकड़ा है, इसने सुना है कोई सोना वगैरह चोरी किया था, ठीक है। और ये अगर देखो मिलिटेंट भाग जाए तो फिर क्या होगा? और मेरे ख्याल में मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, जो कार्रवाई है ना ये लास्ट में छोटों पे आ जाती है, ये एक दो एसपीओ पे कार्रवाई हो जाएगी, और जो मेन बंदा है जो एसएचओ है और बंदा है उस चौकी अफसर, उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है, अगर इन पे कार्रवाई होगी तो बाकियों को भी सबक आएगा। और मेरे ख्याल में आईपीएस रैंक के एसएचओ भी लगने चाहिए, मतलब कि पुलिस स्टेशनों में। जो शुरुआत डीएसपी से करवाई तौर पे की जाती है, आईपीएस रैंक के लोगों से, वो एसएचओ के तौर पे करवाई बिल्कुल बिल्कुल। एसएचओ देखो वहां पे आईपीएस लगेंगे, उनका तरीका बड़ा, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, देखो जम्मू के एसएसपी देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं,
जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको पता है पूरा तरीका होता है, वो करप्शन फ्री होते हैं, करप्शन का बिल्कुल नामो निशान नहीं होता, तो वो बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल में। ये आईपीएस अधिकारी जो है उनको एसएचओ की पोस्ट पे रखना चाहिए, तो इससे बड़ा सुधार होगा। देखो उसमें अगर ऐसा काम शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में काफी थानों में सुधार होगा, और थानों के अंदर ऐसी कंप्लेंटें आती है जबकि बंदा कंप्लेंट लिखाने जाता है और उससे बड़ा मिसबिहेव होता है, काफी मैंने कंप्लेंटें सुनी है। तो ये भी बड़ा अजीब सा तरीका है कि वहां भी बंदा देख के कंप्लेंटें नोट की जाती हैं, भाई ये गरीब है इसको कम सुनना है, अमीर को ज्यादा सुनना है, ऊपर से फोन आ जाते हैं, सिफारिशें आ जाती हैं, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आईपीएस अधिकारी जो है वो एसएचओ के पोस्ट पे भी लगने चाहिए। जी डैंग साहब, रिशफलिंग होना कितना जरूरी है, हम देखते हैं कुछ एक ऑफिसर हैं जो शहर भर में अलग अलग थानों में घूमते रहते हैं, अलग अलग चौकीज में घूमते रहते हैं, कुछ अफसर हैं बेचारे पुलिस लाइन से कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं, ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल में वो जो 10-15 एसएचओ हैं या 20 होंगे 25 वही थानों में घूमते रहते हैं, और हमारे इतने इतने अच्छे एसओजे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए सभी को। मैं तो सरकार को कहना सभी को मौका दो, ये नहीं है कि वही 15 बंदे, वही 15 चेहरे, 20 चेहरे वही हम देखते रहते हैं, वही एसएचओ घूमते रहते हैं। भाई इससे थोड़ा ना, मैं बोलना नहीं चाहता वर्ड, भाई ये बड़ी गलत बात है। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी करप्शन का मामला भी मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि वही बंदे घुमा रहे हो बार बार वही घुमा रहे हो, कुछ नए बंदों को भी मौका देना चाहिए जो अच्छे बंदे हैं उसमें से निकलेंगे। यही तो आपके पास के 20 एसएचओ हैं या 30 हैं, वही घूमते रहेंगे, वो इससे साफ पता लगता है कि उनकी अप्रोच बड़ी है, वो अप्रोच लगाते हैं, किसी मिनिस्टर को बोल देंगे, किसी एमएलए को बोल देंगे, या सेंटर से अप्रोच लड़ाएंगे, भाई मेरे को इस थाने में जाना है, इधर थाने में जाना है, ये बात भी जो है ये भी ठीक नहीं है, सभी को मौका मिलना चाहिए। जी, इसमें ये जो पुलिस चौकी नरवाल पे जो एक्शन हुआ है, पुलिस महकमा के जो अभी डिस्ट्रिक्ट जम्मू के जो संभाल रहे हैं डॉक्टर विनोद जी, एसएसपी जम्मू, उन्होंने एक कड़ा एक्शन लिया है, लेकिन इसमें पुलिस की लापरवाही कहेंगे या नाकामी कहेंगे या मतलब इसमें उनकी कोई गलती भी हो सकती है, क्योंकि इंसान है। सर इंसान तो है, पर ये लापरवाही का मामला है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने 2-4 मिलिटेंट पकड़े होते, ठीक है, अगर वो भाग जाते फिर तो ये एक नेशनल मुद्दा बन जाना था, नेशनल टीवी पे इस टाइम हाहाकार मची होती, भाई जम्मू कश्मीर से 4-5 मिलिटेंट भाग गए हैं। तो अब ये छोटा केस है, इससे सभी को सबक लेना चाहिए, भाई ये है लापरवाही का मामला, ये लापरवाह कैसे हो गए, क्यों हो गए, किन बातों में ये बंदे व्यस्त थे, क्या थाने में ये अच्छा काम कर रहे थे, नहीं थाने में थे भी या नहीं थे, या इन्होंने क्या किया, इस पर एक बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए। भाई कैसे भाग गया बंदा थाने से, मुजरम थाने से भाग गया, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, मिलिटेंट थाने से भाग जाए मुजरम था, ये कोई छोटा मसला नहीं होता है, ये बड़ा गंभीर मसला है, और हम एसएसपी जम्मू का थैंक्स करना चाहते हैं जिन्होंने बड़ी जल्दी एक्शन लिया। शुक्रिया डैंग साहब। तो यहाँ पे आप देखेंगे नरवाल चौकी के जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे, जिनकी भी वहाँ पे जो गलतियां उन्होंने की, इससे पहले भी आपने देखा बठिंडी जो चौकी है वहां से भी कुछ महीने पहले जो है एक चोर जो है, दो चोर थे वो हवालात में बंद रखा था उनको, वो हवालात तोड़ के भाग जाते हैं, और उस पर जो है वहाँ पे भी कोई इंक्वायरी बिठाई गई थी, वहाँ पे भी कोई इसी तरह का मामला सामने आया था, वो मामला भी अभी जो है वो कहीं ना कहीं दब चुका है, और ये मामला यहाँ पे भी इन लोगों को जो है पहले पुलिस लाइन हाजिर किया गया, उसके बाद जो है 2-4 लोगों को जो है सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ले दे के मामला जब भी इंक्वायरी पूरी होती है तो छोटे अफसर पे या ज़्यादातर एसपीओज पे मामला जो है जा करके खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, जो भी एक्शन जो होता है वो छोटे मुलाजम पे लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा कदम जो है वो लेना जरूरी हो जाता है किसी बड़े अफसर को, जो इसमें जिनकी गलती के वजह से जो ये सारे मामला सामने आते हैं, जिनकी जिम्मेवारियाँ होती हैं, किसी बड़े अफसर के खिलाफ भी जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, एक डर जो है वो होना चाहिए कि यार ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको हमने कैसे निभाना है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर छोटे जो अफसर हैं या छोटा कोई मुलाजम है, छोटा कोई एसपीओ है बेचारा, उस पर जाके कार्रवाई खत्म होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने लोग इसमें मिलावट है सबके खिलाफ, और जो मेन जो जिनकी जिम्मेवारी बनती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया, मैं अरफाज़ बडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।